लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट को घर में बैठ के स्कूल के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाया जा रहा है, और उसके लिए एक ऐप का यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है जूम क्लाउड मीटिंग्स ऐप। इस ऐप के बारे में जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करते ही ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इस जूम क्लाउड मीटिंग्स ऐप के बारे में जानने से पहले तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलिए हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमारा ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो स्कूल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाया जा रहा है वो इस ऐप के जरिए पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए अगर आप सिर्फ स्कूल के वीडियोस, मतलब स्कूल के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाया जा रहा है उसको अटेंड करना चाहते हैं, तो ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर मीटिंग आईडी डाल देना है। डालेंगे और ज्वाइन मीटिंग कर देंगे तो आपको स्कूल के तरफ वीडियो चलाया जा रहा है वो आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अगर आप किसी को वीडियो शेयर करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो बनाकर मीटिंग के जरिए शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको साइनअप या साइन इन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर साइनअप पर क्लिक कर लेते हैं। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोसेस भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ साइन इन पर जाएंगे। साइन इन पर जाने के बाद हम यहाँ पर फेसबुक, गूगल, किसी के जरिए भी अपना आईडी लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर गूगल पे जाऊँगा। गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ अपना जो पहला आईडी है उससे लॉगिन कर लूँगा। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। तो अब कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब हमारा जूम ऐप पर अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन का। तो न्यू मीटिंग पर जाकर आप खुद से न्यू मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक टीचर है या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इसके जरिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले तो न्यू मीटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको वीडियो ऑन और यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको यूज पर्सनल मीटिंग आईडी को ऑन कर देना है और स्टार्ट अ मीटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ और अलाउ दे देता हूँ, फिर से अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। इससे आपका वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको इस वीडियो को ख़त्म करने का मन करे तो आप इस वीडियो को एंड कर दें। आप यहाँ पर किसी का भी मीटिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले ज्वाइन पर क्लिक करना है आपको। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आप जिसका भी मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो वो आपको एक मीटिंग आईडी प्रोवाइड करेगा जिसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी दिए गए हैं जिस पर आप अपना वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑडियो को भी ऑफ कर सकते हैं। तो अब दूसरे ऑप्शन पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन भी दिया गया है। आप पहले से वीडियो को रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट, फ्रॉम कितने बजे से कितने बजे तक रखना चाहते हैं, टाइम जोन सेलेक्ट कर ले, रिपीट सेलेक्ट कर ले या रिपीट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। आप अपना पर्सनल मीटिंग आईडी जो है उसको भी ऑन कर दीजिए और यहाँ पर आप मीटिंग का जो पासवर्ड है उसको भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर इसको भी ऑफ कर सकते हैं। अगर इसको ऑन करेंगे तो अगर आपका मीटिंग आईडी किसी को पता भी चल जाता है तो जब तक पासपोर्ट ना होने के कारण वो पाएगा या उस वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं। इस शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पर आपको मीटिंग आईडी डालना है और आप किसी को भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा इतने सारे ऑप्शन। अगर आप किसी पीपल को ढूंढ कर उसे चैटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेते हैं।
एट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद आप उस व्यक्ति को उसके ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर के जरिए भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ सेटिंग्स पर चले जाते हैं। इसके सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको सबसे ऊपर में एक बेसिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपका नाम, आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं, पासवर्ड अपडेट करना चाहते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे तो कुछ नोट्स लिखा हुआ है। इस ऐप के जरिए आप एक साथ 100 लोगों के साथ 40 मिनट तक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपको 100 से अधिक लोगों के साथ 40 मिनट से अधिक वक्त तक मीटिंग करना है तो आपको इसका पेड वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और आप इसके वेबसाइट के जरिए, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट, उसके जरिए भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस ऐप को सुरक्षित नहीं बताया है। आप इस ऐप के जरिए अपने पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें। आप नॉर्मली एक पब्लिकली मीटिंग है या फिर स्कूल की पढ़ाई है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।